हेलो फ्रेंड्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी साबूदाना की खीर। अक्सर साबूदाना की खीर बनाते वक्त साबूदाना चिपचिपे हो जाते हैं, खीर फट जाती है या फिर ट्रांसपेरेंट साबूदाने दिखते ही नहीं हैं। लेकिन आप जब इस तरीके से इस खीर को बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से परफेक्ट खीर बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साबूदाना की खीर बनाने के लिए हमने सोक किए हुए साबूदाना लिए हैं। तो यहाँ पर हमने इस कप से मेज़र करके आधा कप साबूदाना लिए और इनको पानी से अच्छी तरह धोने के बाद हमने एक घंटे के लिए भिगो दिया था। खीर बनाने के लिए हमने एक हेवी बॉटम पैन लिया है, यानी कि हमें ऐसे बर्तन का इस्तेमाल करना है जिसका तला मोटा हो। सबसे पहले 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और घी जब मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे 50 ग्राम मावा यानी कि खोया। देखिए, मावा ऐड करने से पहले आप मावे को कद्दूकस कर लीजिएगा। अब हमें इस मावे को 30 सेकंड के लिए घी में लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। 30 सेकंड तक मावे को हमने घी में अच्छे से भून लिया। अब देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। देखिए, मावा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप मावा ना ऐड करना चाहें तो घी और मावे को स्किप करके इस तरह से पैन में डायरेक्ट 1 लीटर फुल क्रीम दूध ऐड कर दें। इसे एक बार चला लेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें उबाल आने देंगे। हाई फ्लेम पर एक उबाल आने के दौरान हमें इस तरह से इसे 2 से 3 बार चला लेना है ताकि दूध बर्तन के तले में लगेगा नहीं। एक उबाल आने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सोक किए हुए साबूदाने। देखिए, साबूदाने ऐड करने के बाद हमें इसे हाई फ्लेम पर तब तक पका लेना है जब तक इसमें दूसरा उबाल ना आ जाए। जब इसमें दूसरा उबाल आ जाएगा उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। इस बात का आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है। साबूदाना ऐड करने के बाद इसमें एक उबाल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया और उसको हमने 2 से 3 टेबलस्पून पानी में घोल कर उसकी स्मूथ स्लरी बना ली। क्योंकि हमने स्लरी को पहले से बना कर रखा था तो हम इसमें ऐड करते वक्त इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे कुछ देर तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाए। तो यहाँ पर हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लिया। इस स्टेज पर हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो जिस कप से हमने साबूदाने लिए थे उसी कप का 1/4 कप यानी कि 3/4 कप हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। चीनी जब अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स। देखिए, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। हमने काजू, बादाम और पिस्ते ऐड किए हैं। मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक खीर थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए और पका लिया। साथ ही में हमारी साबूदाना की खीर बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इसे और नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह ठंडा करने के बाद हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा करने के बाद हमने इसे 3 घंटों के लिए फ्रीज में रख दिया था। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट और मलाईदार साबूदाने की खीर बनी है। तो खाने के लिए तैयार है हेल्दी और टेस्टी साबूदाना की खीर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा और सर्व करने के बाद हम इसे ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।